हेलो दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपको बैक साइड का। ये देखिए दोस्तों किस तरह से बनता है। ये देखिए, हमने ये ले लिया है, इसका 18 इंच का ले लिया है लंबाई। ये 18 इंच से हमने ये काटा। ये देखिए दोस्तों, ये काट के ऐसे ये काटा और अब इसको दो बराबर कर लेंगे। 8 इंच ऐसे, 18 इंच, ये 8 इंच और इसे 18 इंच। और अब इसको ऐसे फोल्ड करके इसके दो हिस्से कर लेंगे। ये देखिए, दो हिस्से करिए, ये दो हिस्से करिए। और आप इसको ऐसे थोड़ा हल्का सा गोलाई में ऐसे काट लेंगे। और हमको अभी ये लगाना है इसमें बक्कल, दो इसको हम काटेंगे 7.5 इंच। ये इसके अंदर फंसा के इसको इस तरह से ये इस पर छिल देना है दोस्तों, मजबूती से छिलना है क्रॉसिंग में, ताकि मजबूती रहे। यही बैक की मजबूती होती है दोस्तों। इस तरह से दोनों में लगा देंगे। इस तरह से दोनों हो गए दोस्तों तैयार। अब ये अस्तर का सहारा लेंगे, इसके नीचे अस्तर लगाएंगे, उल्टा छिलेंगे इसको। ये छिल के ऐसे अस्तर लगाएंगे इसके नीचे दोस्तों। ये इस तरह से अस्तर लगा दिया, और दूसरे में भी लगाएंगे। ये दूसरे में भी लग गया, इस तरह से दूसरे में भी लगाएंगे दोस्तों। ये लोग, ये और बाकी का जो फालतू है इसको हम काट लेते हैं, और इसको भी बीचों बीच में से हम काट लेते हैं। और ये फोम लेना है इसमें, इससे आधा इंच छोटा काटना है। और ये देखिए ना, पे उससे छोटा काटना, आधा इंच छोटा काटना कि ऊपर ये दबाव में आए। और इस तरह से थोड़ी उंगली से इसको ऊपर को धकेलना है, और ये फोम लगाना है। ये लकड़ी का सहारा से इसको अंदर को धकेल देना है। ये देखिए लकड़ी, इसको अंदर को ऐसे धकेल देना है, उल्टा है, सीधा कर देना है इस तरह से। ये हो गया, और ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं। ये हल्का उंगली से अंदर किया, ये फोम रखा, और ये लकड़ी के सहारे से इसको अंदर कर दिया। और ये देखो, ये सीधा हो गया, ऊपर से हल्का आधा इंच खाली है, ताकि वो दबाव में आए इस तरह से। और मेरे हर बैगों में आपको इसमें सिलाई मिलेगी दोस्तों, पीस में। इसमें क्या होता है कि इधर उधर फॉर्म निकल सकता है इससे, और मजबूती भी रहती है। इस तरह से मैं बीच बीच में इसमें सिलाई मारता हूँ। देखिए इसमें भी मारूँगा, दोनों में सिलाई मार दिया। और ये देखिए, अब क्या करना है, हमने जो पहले भाग बनाया था उसका ही एक 14 इंच चौड़ाई है, उसके साथ इसको रखेंगे इसमें, ऊपर से रेखा खींच लेंगे, इसको ऐसे गोलाई में काट लेंगे। ये देखो, इसकी बैक साइड का पार्ट हो गया, इसको काट लेंगे ऐसे इस तरह से। ये देखो दोस्तों, और इसमें से 4 रुपया काट लेंगे, जो कि बेल्ट फंसाने के लिए बेल्ट चला जाएगा इसमें, पिट्ठू बेल्ट। इस तरह से ये 4 बना लेने हैं, दो एक को छिलने हैं। ये बेल्ट इसमें छिलने हैं दोस्तों, 24 इंच का बेल्ट काट दोस्तों। ये अस्तर का सहारा लेना है, उसमें ये पल्ला रखना है, पल्ले में ये ऐसे अस्तर के साथ साथ इसको छिल देना है इस तरह से, चारों तरफ से इसमें अस्तर लगा के छिल देना है। बाकी फालतू का जो है इसको काट देना है इस तरह से। ये हमारा पीछे बैग का ऐसा तैयार होने जा रहा है। ये देखिए, बाकी फालतू का हम काट लेंगे, और ये यहाँ पर लगाएंगे हम, फिर ऐसे सीधी में निवाड़ लगाएंगे ऐसे, और इसको दबाव करेंगे इसमें, ताकि ये मजबूती बने रहे। इसमें आएंगे 4 सिलाइयाँ दोस्तों, मैं मारता हूँ 4 सिलाइयाँ इसमें, 1, 2 होगी। अब ये तीसरी सिलाई और आएगी, ये तीसरी सिलाई दोस्तों। अब चौथी सिलाई में एक लुपी बचाने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको चारों तरफ से नाप लेंगे। यहाँ से रखेंगे पूरा, इस तरह से नापेंगे इसको, पूरा गोलाई में नापेंगे हम इसको इस तरह से, यहाँ तक यहाँ से शुरू किया था वहाँ तक नापना पूरा। ये टोटल आ गया आपका 56.5 इंच, तो हम काटेंगे इसको 57.5 इंच रखेंगे, ताकि दबाव आए। ये देखो, ये पहले चेन बना रखी थी हमने ऊपर का हिस्से का 22.5 इंच, और बाकी इसके बाद ये सब इस पर नाप के ये हमको 57 इंच करीब करना है। और अब इसको दोनों तरफ से सील देना है, दबाव में आ जाएगा 56 इंच, और आपका बैग इसमें फिट बैठेगा बाद में। ये देखिए, ये नाप के इसको दोनों तरफ से सील देना है। और ये देखिए दोस्तों, 3 सिलाइयाँ इसमें भी होती है, इससे भी बैग मजबूत रहता है दोस्तों। सिलाइयों की कमी नहीं है मेरे बैगों में, दबा दबा के सिलाई मारता हूँ दोस्तों। बस इस तरह से इसमें निशान डाल देना है, भी इसमें बराबर में करना है, इसको भी देखना है, साथ में रखना है, और आपस में इसको ऐसे घुमा देना है इसको चारों तरफ से, इस तरह से इसको जोड़ते हुए चलना है। इस तरह से ये जोड़ रहा है दोस्तों, ये ऐसे जोड़ देना है इसको। ये देखिए दोस्तों, और अब क्या करेंगे, इसमें एक बार और बिटिंग लगा देंगे, ताकि ये मजबूती रहे।
ये बिल्कुल लग जाएगी इस पर, तो इस पर मजबूती हो जाएगी दोस्तों से, और धागे आगे भी नहीं निकलेंगे, कवरिंग आ जाएगी इसकी। ये लग गया दोस्तों इस पर, ये बिल्डिंग चलती है, चढ़ा दी इसमें हमने, ये इस तरह से बिल्डिंग चढ़ा दी दोस्तों, ये हो गया। अब इसको सीधा कर लेते हैं इसे। अब इसी का बराबर का हमें एक अस्तर भी चाहिए होगा हमको, ये अस्तर फिर उसी के नाम से फिर अस्तर काटना है। ये अस्तर काटा इस तरह से, ये अस्तर काटा और इसमें बीच में निशान लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड करके बीच का निशान लगा देते हैं। और अभी अस्तर को इसमें इसके साथ इसको छील देते हैं। ये हो गया आपका जेब की पार्टीशन, इस तरह से ये इसको छील देते हैं इसमें। ये आपका बैक पार्ट तैयार होने जा रहा है दोस्तों। अच्छा लगा दोस्तों कमेंट में बताना, कोई दिक्कत हो रही है सुनने में या बोलने में या समझने में, समझाने में, मेरे समझाने में अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उसको सुधार करूं और आपको अच्छी तरह से समझाऊं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को अच्छी तरह समझाया जाए। ये देखिए दोस्तों इस तरह से पिछला भाग तैयार हो गया, ये अगला भाग हमने बताया था आपको। अब ये उसमें ये इसके साथ इसमें ये जोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, जिसने अगले भाग की वीडियो नहीं देखी उसको देख लेना कि हमने आगे का भाग किस तरह से बनाया, और अब उसमें हमने ये जोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों बराबर में रखना है, निशान मार्क लगा लेना है, बिल्कुल आपकी कटिंग सही रहेगी तो आपकी फिटिंग भी सही रहेगी दोस्तों। इस तरह से ये है दोस्तों बैग बनाने का तरीका, बहुत आसान तरीका है, थोड़ी टफ लग रहा होगा देखने में आपको, बहुत आसान है वैसा। ये देखिए दोस्तों सिलाई लगी, अब एक बार इसको बिटिंग कर देते हैं, ये बिटिंग लगा देते हैं इसमें। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंचे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। बढ़िया बढ़िया बैग बनाना सिखाऊंगा आपको, एक से एक चीज़ें सिखाऊंगा घर बैठे बैठे किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया बैग, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे करके सीधा कर लेते हैं, ऐसे पलट लेते हैं इसको, इसे पलटा, देखिए पलट लिया दोस्तों, ये आपका बैग ये तैयार हो गया। देखिए तो इस तरह से दोस्तों बैग बनता है। अगर इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। और आवाज़ में अगर कोई दिक्कत है, कम सुनाई दे रही है, तो दूसरा माइक लगाऊंगा, उससे कराऊंगा इसमें रिकॉर्डिंग। बताना दोस्तों कमेंट करके, ये देखो दोस्तों ये हो गया बैग आपका रेडी। इसी तरह बैग देखने के लिए, बनाने के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करोगे, लाइक से क्या होगा, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरे व्यूअर मेरे वीडियो देख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से बैग ये तैयार हो गया है, मिलते